अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सिबगतुल्ला और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल इन्फो एंड स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, 5 पावर x इज इक्वल टू 0.04। तो सबसे पहले हम 0.04 को सिंप्लीफाई करते हैं। 0.04 इज इक्वल टू 4 ओवर 100। ऑन सिंप्लीफाइंग वी विल गेट 1 ओवर 25। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। 5 पावर x इक्वल होगा 1 ओवर 25। 1 ओवर 25 इसको लिखा जा सकता है 5 स्क्वायर, इसलिए 5 पावर x इक्वल है 1 ओवर 5 स्क्वायर। और जब डिनोमिनेटर में से 5 स्क्वायर को ऊपर लेके आएंगे तो ये बनेगा 5 पावर x इज इक्वल टू 5 पावर -2। बाय कंपेयरिंग वी गेट x इज इक्वल टू -2। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस पर वक्त मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। x पावर 3 माइनस 729 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम 729 को राइट साइड पर लेके आएंगे। ये बनेगा x पावर 3 इज इक्वल टू 729। 729 को अगर हम फैक्टराइज करें तो ये इक्वल आएगा 9 पावर 3 के। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, हम दोनों साइड्स का क्यूब ले लेंगे। तो ये बनेगा x पावर 3 होल क्यूब इज इक्वल टू 9 पावर 3 होल क्यूब। इसके बाद x पावर 3 x क्यूब इक्वल होगा 9 पावर 9, क्योंकि x पावर 3 और जो होल क्यूब था ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगेन हम इनको सेपरेट करेंगे, ये बनेगा x पावर 3 इक्वल है 9 पावर 9। कंपेयर करने पे हमें मिलेगा x पावर 3 इक्वल 9। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, we will get x is equal to 9 power 1 over 3, and this is our answer। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो एंड होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।